إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्यारे अजीज बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफत से होंगे और हम सब के रोजे भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए आज हम इंशाल्लाह रमजान में हमको किस तरह से अखलाक और आदाब के साथ पेश आना है और रमजान के बाद भी। पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को यहाँ पर एक जगह जमा फरमाया उसकी बातों को सीखने और सिखाने। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम तारीफों के लायक और सजावार हैं। उसके बाद दुरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अखलाक और आदाब, यानी अखलाक क्या है कि बेहतरीन सिफात, यानी बेहतरीन क्वालिटी है हमारी जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रखती है। ठीक है, उसको हम क्या करना है, अपने बातों से, अपने अल्फाजों से, अपने अखलाक, अपने किरदार से उसको क्या करना है, सामने वालों को अपना किरदार बताना है। अच्छे अंदाज से हमको सामने वालों से बात करनी होती है, हम सामने वालों के साथ अच्छे से पेश आना, इसका नाम अखलाक होता है। ठीक है, पहली चीज हमको अखलाक दीन में क्या है मालूम, कि हम अल्लाह ताला की अच्छे से इबादत करें, अच्छे से नमाजें पढ़े, अल्लाह ताला की तमाम हुक्मों को दिल से माने और अमल करें। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। ये दीन का अखलाक है कि हम अल्लाह के नबी की हर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर आता है इंसानों का, यानी हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे अड़ोस पड़ोस, जो भी जितने भी हमारे साथ मिलने जुलने वाले लोग हैं ना, उन तमाम से हमको अच्छे से पेश आना, अच्छे से बात करना, इसका नाम अखलाक है। यानी अल्लाह ताला का भी हक अदा करना है, रसूल अल्लाह की भी पैरवी करना है हमको इताअत में, और इंसानों के भी हुकूक को अदा करना, इसका नाम अखलाक है। तो जब हम रोजे की हालत में होते हैं, अगर कोई हमसे झगड़ा करे, कोई हमसे बुरी बात कहे, हमसे बहस करे, तो हमको क्या करना है, उनके बदले में उनको वैसे ही ना जवाब दे, बल्कि हमको उन्हें अच्छे से जवाब देते हुए हम ये कहना है कि इन्नी सौइमुन, यानी इसका मतलब है कि मैं रोजे से हूँ, बस इतना ही हमको कहना है। ठीक है, अगर कोई हमको रोजे की हालत में
बुरा भला कहे, हमसे लड़े झगड़े। तो इसी तरह जब हम रोजे में सब्र करते हुए उनको ये जवाब दे रहे हैं, तो फिर बाद जो रमजान गुजर जाता, तो रमजान के गुजरने के बाद भी हमको क्या करना है, इसी तरह से हमको सब्र से उनको अच्छे से जवाब देना है। अगर कोई हमको गाली दे रहे तो हम उनको गाली ना दे, बल्कि अच्छे से उनको दुआ दे, उनको अच्छी कोई बात कह दे, ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, ताकि उनको हम पर रहम आ जाए। तो जो जैसे ही हम रमजान के रोजे में जैसा रहते हैं ना, जैसा कि इबादत में रहते, बुरे बातों से दूर रहते, हम हर वो चीज से दूर रहते जिसमें हमारे रोजे के टूटने का डर हो, ठीक है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम हर बुराई से बचे रहो रोजे की हालत में। तो इसी तरह से हमें बाद रमजान के भी, जब हम रोजे ना रहते हो, तब भी हमको हर बुराई से बचे रहना है। तो रोजा हमको क्या सिखाता कि हमको अच्छे अखलाक सिखाता, तखवा हमारे अंदर पैदा करता। तखवा का माना क्या है कि अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला से हमको हर हाल में डरना है और अल्लाह ताला के लिए ही हमें मोहब्बत करना है, इसका नाम तखवा है। तो तखवे का क्वालिटी हमारे अंदर पैदा होती जब हम रोजे की हालत में होते, और हर बुराइयों से हम बचे हुए रहते जब हम रोजे की हालत में होते। तो इसी तरह से हम बाद रमजान के भी, ये रोजे में जो हमको ट्रेनिंग मिल रही है ना, इसी तरह हमें बाद रमजान के भी उसको कायम रखना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम गुफ्तगू में जब हम किसी से बात करते ना, तो हम क्या क्या हमको अपनाना चाहिए क्वालिटीज, के हम हमेशा सच बोलना है, कभी हमारे बातों में झूठी बात नहीं होनी चाहिए, झूठ हम कभी भी नहीं बोलना है, ठीक है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि हम सच बोलें हमेशा, और सच बोलने में हमें कभी भी झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए, कभी हमें शर्माना नहीं चाहिए, कभी हमें डरना नहीं चाहिए सच बोलने में, चाहे फिर वो सच बोलने में हमारा ही नुकसान क्यों ना हो, सबसे बड़ा नुकसान क्यों ना हो, हमें सच बोलना चाहिए। और हमें जरूरत के वक्त ही अपनी जबान से कोई बात निकालनी है, जब जरूरत पेश आए तभी हमें बात करनी है, ठीक है। खाली वक्त हम कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, किसी को भी कुछ भी नाम रख दे रहे हैं, ये तमाम चीजें क्या है, अखलाक के ऑपोजिट में आती, बद अखलाकी में आती है। और जब भी बात हमको करना है तब सिर्फ काम की ही बात करें, किसी को अच्छी मशवरा देने की बात कहें, अगर कोई हमसे कहे, कोई हमसे अच्छी यानी कोई बात पूछे, हमको कोई सलाह पूछे, तो हम उनको अच्छे से आइडियाज दें उनको, और अच्छे से मशवरा दें उनको। ये भी एक अखलाक की निशानी है, ये भी एक नेकी है, अच्छा मशवरा देना किसी को भी क्या है, एक नेकी है वो। और बार बार हर वक्त पे हम बातें करना अपने बड़ों से चाहे छोटों से, और बेजरूरत बातें करना, जैसा कि जरूरत ही नहीं है वहां पर बात करने की, तो भी हम बात करते चले जा रहे हैं, हमको ये क्या हो जाती है, वो एक आदत सी हो जाती है, बोलते बोलते जो है क्या हो जाता है हमारे अंदर, एक चुपते भी हम बेकार बातें भी हमारी जबानों से निकलती रहती, जो सामने वालों को क्या होता, एक बोरिंग फील होता, बोरियत महसूस होती। तो बेजरूरत हमें बातें करना, और ये क्या है, अखलाक के खिलाफ है, क्योंकि जो भी हम बातें कहते हैं ना अपनी जबान से, वो क्या होता, हर बात हमारी, फरिश्ते जो हमारे कंधों पर बैठे हुए हैं ना, किरामन कातिबीन, वो फरिश्ते क्या होते, वो हर चीज को नोट कर रहे होते। तो हम जो भी अच्छी बात भी कहे वो भी लिख रहे, जो हम बुरी बात कह रहे वो भी लिखा जा रहा,
तो हर बात का हमें आखिरत में फिर जवाब देना है उसका, जो भी हम बात करते। आदमी जो भी अपनी मुंह से बात निकालता है ना, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, सूरह क़ाफ़ की आयत है, आयत नंबर 18, कि जो भी इंसान या बंदा मुंह से अपनी बात निकालता है, खुद अल्लाह ताला क्या करते, अल्लाह ताला का फरिश्ता उसे फौरन नोट कर लेता है। अगर हम अच्छी बात कहें अपनी जबान से, किसी को अच्छी बात का मशवरा दे, किसी से अच्छी बात करके हम यानी सलाम कहें किसी को, जो नेकी वाले काम है अगर हम वो करें, तो नेक फरिश्ता जो यानी जो हमारे सीधे हाथ पर जो फरिश्ता है ना, वो फरिश्ता बोली नेकियां लिख लेता। जो लेफ्ट हैंड पे जो फरिश्ता है ना, वो जो भी हम बुरी बातें गए बेकार में बातें करते रहे, तो वो तमाम जो बुरी बातें हैं वो तमाम वो फरिश्ता नोट कर लेता। तो अल्लाह ताला इन सूरे की आयत में क्या फरमाता है कि कोई बात उसकी जबान पर जब आती है कि एक निगरान उसको महफूज करने के लिए लिख लेता है, यानी जो भी हम अपनी जबान से बात निकालते हैं, जो फरिश्ते हमारे कंधों पर मुकर्रर हैं, जो रखे हुए हैं, हमारी हर चीज को देख रहे हैं, लिख रहे हैं, वो तमाम बातें लिख लेते हैं। इसीलिए हम सोच समझ कर किसी से बात करनी होती है। जो भी हम कहें सोच समझ कर, सामने वाले के दिल को तकलीफ ना हो, सामने वाले की इज्जत में जो है फर्क ना हो, यानी उनकी रेस्पेक्ट देते हुए हम उनसे बात करनी है। और जब हम किसी से बात करें तो नरमी के साथ बात करें और सब्र के साथ बात करें इंशाल्लाह। नरमी यानी इतने नरम लहजे में कि सामने वाले को वो बात हमारी अच्छी लगे, हम कड़क बात ना कहें अपने बड़ों से, अपने छोटों से, मोहब्बत से हम पेश आए, और मुस्कुराते हुए मीठे लहजे में बात हमको करनी है। देखिए बच्चों के मुस्कुराना भी क्या है, एक सदखा है। किसी को देखकर मुस्कुरा के बात करना भी क्या है, सदखा है, चैरिटी है वो, ठीक है। चैरिटी हमको मालूम ना कि क्या होती है चैरिटी, जब हम अपने हाथों से किसी को रुपया दे, 2 रुपये दे, या फिर 10 रुपये दे, या 100 रुपये दे, तो उसको चैरिटी कहलाते, ठीक है। तो वैसे ही चैरिटी का एक और मीनिंग क्या है मालूम, किसी को देखकर मुस्कुराकर बात करना, ये भी एक चैरिटी है, ठीक है। इसका नाम भी एक सदखा है, ये भी एक सदखे में नेकी हमारी लिखी जाती। और फिर हम बात करने से पहले हमको क्या करना है, सलाम करना है। सबसे पहले हम किसी से जब कलाम कर रहे हैं ना, जब किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो पहले हमको सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 30 नेकी हमको लिखी गई वहां पर, 30 हमको डीड्स, गुड डीड्स हमको वहां पर लिखे गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम नींद में से उठते हैं ना बच्चों, तो हम सबसे पहले अपने माँ बाप से जब हम मिलते हैं नींद में से उठने के बाद, तो पहले हम सलाम करें, नींद में से उठकर दुआएं पढ़कर, और जो भी हमको फ्रेश होना है होने के बाद, जब हम अपने माँ बाप से मिलते हैं ना पहली बार, हम जब सुबह उठते ही उनको देखते, तो पहले ही उठते ही उनको हम सलाम कहना, ये बहुत ज्यादा अखलाक के बेहतरीन निशानी है ये। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम्हारे हुस्न अखलाक की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है, क्योंकि माँ बाप हमको पालते बड़े करते, हमको हर चीज से हमारी देखभाल करते, हमारी परवरिश करते, हमारी देखभाल करते। तो सबसे ज्यादा हकदार हक किसका है हमारा, कि हमारे माँ बाप। तो माँ बाप में से भी सबसे पहला हक हमारी माँ का होता है। 3 बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि तुम्हारी सबसे ज्यादा हुस्न अखलाक की हकदार कौन है, तुम्हारी माँ है। 3 बार फरमाकर बताए, चौथी मर्तबा के उसके बाद तुम्हारा बाप है। तो
तो इस तरह से हम अपने पहले माँ बाप की फरमाबरदारी करें, उनको अच्छे अखलाक से पेश आए, अच्छी बात कहें उनसे, जो भी वो हमको हुक्म दे उसको हम अपना कर उसको एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें। और हमें हमेशा जो है कैसे रहना है, दरमियानी आवाज में, यानी मिडिल, कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसी आवाज में बात करना कि उनको सुने आए, बस ज्यादा हमको जोर से भी बात नहीं करनी है। और इतना इतना भी है कि इतना भी कम आवाज से ना बात करें कि उनको सुने भी ना आए, ठीक है, सिर्फ मिडिल आवाज में, दरमियानी आवाज में हमें बोलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, चाहे किसी से भी हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह लुक्मान की आयत नंबर 19 में फरमाता है, इन्ना अंकर अस्वाति लसौतुल हमीर, यानी सबसे ज्यादा करीहा और नागवार आवाज गधे की आवाज है, यानी जो सबसे ज्यादा बुलंद यानी ऊंची आवाज से जोर से जो बात करते ना, तो अल्लाह ताला उनकी मिसाल किससे दे रहे मालूम, कि वो गधे की आवाज है। तो हमें नरमी से और अच्छे अंदाज में खुलकर सामने वाले से बात कहनी है, जितने उनको सुने आए, ज्यादा जोर से हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जोर की आवाज से बात करने की आवाज किससे मिसाल दी गई, किससे एग्जाम्पल दी गई, सूरह लुक्मान के गधे की आवाज की तरह है। और कभी भी किसी बुरी बात से जबान हमें गंदी नहीं करनी चाहिए, यानी अपनी जबान को हम काबू में रखकर बात करना है सामने वाले से, चाहे कोई भी होने दो, और हमें किसी दूसरे की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, किसी को बुरे अल्फाज से, अगर कोई फिजिकली कोई यानी लंबे लंबे है, कोई कद छोटा है, किसी की हाइट छोटी है, तो हम उनके बद पीछे उनका नाम नहीं लिए, जैसे हम क्या करते, उन्हों लंबे है जैसे, उन्हों गिड्डे है ऐसे, उन्हों काले है, उन्हों मोटे है, इस तरह से हम उनके बद पीछे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। उनको हम अल्लाह ताला ने यानी अच्छे नामों से हमें उन्हें पुकारने का हुक्म दिया है, उनके नाम है ना, तो उनके नामों से हमें पुकारना है, बल्कि ना उनको फिजिकली देखकर उनके नामों को हम रखना है, ठीक है। फिर हम किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, चुगली यानी इनकी सुनकर हमें किसी और को सुनाना, फिर किसी और का सुन के हम किसी और को सुनाना, ठीक है, इसको क्या कहलाता, चुगली, गइबत कहा जाता। तो मालूम है बच्चों की खबर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोगों को खबर में अजाब दिया जाता है, कौन है वो दो लोग, जो किसी की गीबत करते हैं, गीबत करने वाले को, और दूसरा वो शख्स जो पेशाब के छींटे गिरने से नहीं बचा अपने जिस्म पर, पेशाब के छींटे जिसके ऊपर यानी जब बदन पर लगते ना, तो वो उसको खबर में अजाब दिया जाता। तो इस तरह से हमें जब हम बैतुल खला जाएं तो एहतियाती के साथ हमें पाकिजगी हासिल करते हुए बाहर आना है, ठीक है। फिर दूसरा शख्स वो था जिसको जो गीबत किया करता था, इस तरह से चुगली गीबत से भी हमें बचे रहना है। अगर हमको किसी की बात अच्छी नहीं लगी तो फौरन हमें उन्हीं के सामने कहकर, देखो इस तरह से मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, ऐसा बोलकर हम क्या करना है, उन्हीं को अपनी बात बताकर उनकी इसलाह करना है, इसलाह यानी उनको सही करना है, ठीक है, ना कि उनके बद पीछे हम उनकी बुराई करना है। उसके बाद दूसरों के नखले भी हमें नहीं उतारना, जिस तरह से अगर उन्हों बात करने में उन्हों कैसे भी अंदाज में बात करते, तो हम उन्हीं का सेम रिपीटेड हम किसी और के सामने उन्हें ऐसी बात करते, उनका बात ऐसा है, बल्कि हम मजाकों में हंसियों में उनकी बात को लेकर उड़ाते रहते, तो इस तरह से भी हम दूसरों की नखले नहीं उतारनी है, ये भी क्या है, अखलाक के खिलाफ है। और हमें जब कभी भी किसी से भी हमको कब जब बात करनी होती है या फिर वादा करना होता है, तो
हम सच्चा वादा करें किसी से भी, हम झूठा वादा नहीं करना है हमको। कि जैसा कि अब हम किसी को कुछ बोल रहे हैं कि हम ये काम हम करते, ठीक है, चाहे अपने माँ बाप से ही क्यों ना हो, अपने रिश्तेदार से ही क्यों ना, अपने बहन भाई से ही क्यों ना हो, तो हमें क्या करना है, जब किससे भी हम वादा कर रहे हैं तो उनसे हम सच्चा वादा कहें। और वादे के साथ हमको क्या कहना है, जब भी हम कोई बात का यानी या सोच रहे हैं या फिर हम बात का इरादा कर रहे हैं तो क्या कहना है, इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह मैं ये कल करूंगी, या फिर इंशाल्लाह मैं ये काम करूंगी आपका, मैं हेल्प करूंगी आपको इंशाल्लाह, या करूंगा। इस तरह से हम इंशाल्लाह को हर बात में अपनी मिलाना है, ठीक है, बगैर इंशाल्लाह के हम कोई भी बात किसी से भी हम वादा नहीं करना, ठीक है। मैं एक बात बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा कराम हम पहचानते ना, समझते ना कि सहाबा कौन थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाए थे, ईमान लाए थे, पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे और आपके साथ उठे थे, बैठे थे, हर वक्त आपके साथ रहते थे, उन लोगों को क्या कहेंगे हम, सहाबा कराम। तो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा पूछते कि अल्लाह के रसूल, आप हमें सूरे कहफ में असाबे कहफ का किस्सा सुनाइए, असाबे कहफ की स्टोरी सुनाइए, बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह नहीं बोले। तो इसी दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने 15 दिन तक कुरान की आयतों को नाजिल नहीं किया। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हो गए, क्यों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा नहीं बोले, बल्कि सिर्फ क्या बताए कि मैं कल बताऊंगा। तो फौरन अल्लाह ताला आयत नाजिल कर दिए कि तुम कभी ये ना कहो कि कल करूंगा, बल्कि इंशाल्लाह कहो, सूरह कहफ की आयतों में है ये। तो इस तरह से हमें जो भी किसी से वादा करे, किसी से बात करे, तो हम इंशाल्लाह लगाकर अपनी बात को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद और किसी की हमें हंसी नहीं उड़ानी है, ठीक है, किसी की भी हम हंसी मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि अगर वो हंसी मजाक उड़ाने का उनको पता हो जाए, किसी का भी हम उड़ा रहे, वो इंसान को अगर पता हो जाए तो उनको दिल को तकलीफ होती, वो चीज से वो बुरा मानते, ठीक है। इस तरह से हमें इन बातों से भी दूर रहनी। उसके बाद फिर अपनी बड़ाई भी ना जताइए अपने अब लोगों के सामने हम क्या करते, अब अपनी बड़ाई बयान करते, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, मैं इस तरह से मैं ये चीज करता हूँ, ऐसा हम बड़ाई भी अपनी किसी के सामने जाहिर ना करें, बल्कि लोग हमारी खुद तारीफ करें बद पीछे हमारी, इस तरह से हम पेश आना है सबके सामने। अगर हम अपनी बड़ाई खुद अपनी जबान से हम बोलेंगे ना तो वो भी सही नहीं होता, ये अखलाक के मनाफी है, खिलाफ है ये, ठीक है। और अपनी तारीफ भी नहीं करें हम किसी के सामने। और किसी से गुस्से में आकर या फिर कट हुज्जती की बात भी ना कहें, यानी बातों को कट करके बात करना या फिर बातों को जो है यानी घटा कर बात करना, किसी से एकदम डिमांड से बात करना, इस तरह से हमें नहीं करना। और मुंह देखी बात भी हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और हमें बात बात पर जब हम बात करते ना तो हमें कसम कभी भी नहीं खानी चाहिए बच्चों, जैसा कि हम अल्लाह की कसम या फिर हम क्या करते हैं सब, देखिए अल्लाह की कसम तो हमें सिर्फ जब किसी का ऐसी बात हो जाए कि हम कोई हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए, ठीक है, कोई हम पर झूठी बात कहे कि तुम ऐसी बात कहे बोल के, तो ये बात हमको जब पसंद नहीं आ रही, जब हमको किसी के सामने अपनी सच्चाई को हमें बताना है, तब हमें अल्लाह की कसम बोल के सिर्फ अल्लाह की कसम खाना है हमको अपने दीन में, ठीक है। हम बात बात पर जो कसम से और फिर माँ की कसम, हमारे वालिद की कसम या फिर अम्मी की कसम जैसा बोलते ना हम, वैसा
कसमें हमको नहीं खानी है, बल्कि अगर हमको कसम खानी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खानी है, ठीक है। वो भी हमको जब हम पर कोई बड़ी बात हम पर आ जाए, छोटी छोटी बातों पे भी हमको अल्लाह की कसम नहीं खानी है, ओके। उसके बाद फिर हमें इंसाफ की बात कहनी, हमेशा इंसाफ की, सच्चाई की बात और इंसाफ की बात, उसमें झूठ मिलाकर हमें नहीं कहना है, ना इंसाफी की बात। यानी अगर कोई दो बच्चों में हमारा जो है बात सामने आई, तो हम सब दोनों में भी, दोनों बच्चों में भी हम सही बात का फैसला करें, इंसाफ की बात कहें, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम, कि अल्लाह ताला के अर्श के नीचे 7 आदमियों का साया हमें मिलेगा, यानी शेड मिलेगा हमको अर्श के नीचे। वो कौन से 7 लोग हैं जिसमें हमें अल्लाह के अर्श का शेड मिलेगा, साया मिलेगा? वो उनमें से एक क्या है मालूम, जो इंसाफ की बात करता हो, जो सही बात करके फैसला करता हो, ठीक है। तो हमें भी अपने दोस्तों से जब हमको लड़ाई झगड़े का जब भी हमको बीच में सामने पेश आए, तो हम उन्हें उनके बीच में इंसाफ की बात कहें, सही बात कहें, ठीक है। ये मेरे खास दोस्त है, बल्कि हम उनके हक में बात ना कहें, उन्होंने मेरे से कम बात करते, उनसे हम जो है कम बात करते, मेरे से उन्होंने बात ही नहीं करते, तो हम उनके हक में बात को ना इंसाफी उनके हक में ना कहें, बल्कि दोनों के हक में बराबर इंसाफ की हमें बात कहनी चाहिए, ठीक है। चाहे फिर वो हमारा नुकसान ही क्यों ना उसके अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत में क्या फरमाता है, आयत नंबर 152 में, वَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, के क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, उसका तर्जुमा है, और जब जबान से कुछ कहो तो इंसाफ की बात कहो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो, यानी तुम्हारे रिश्तेदार अगर हो, तुम्हारे बहन भाई हो या माँ बाप हो, तो हमें हक बात, सही बात हमें कहनी चाहिए, और नरमी से बात कहनी चाहिए, दिलजोई की बात कहें, यानी दिलों को जोड़ने वाली बात हमें कहनी चाहिए, ठीक है। अगर अब किसी के, देखिए किसी के दो दोस्तों में हमारे यानी लड़ाई हो गई, तो हम उनको जो है मालूम, उन दोनों को मिलाना है, अब तो हम कैसे करना चाहिए, उन दोनों को मिलाने के लिए हम कुछ अपनी तरफ से भी बात को झूठ बात मिलाकर ऐड कर सकते हैं। यानी किसी दो दोस्तों को मिलाना है ना, तो हम अपनी बात से कोई बात को ऐड करके भी हम दोनों को मिला सकते हैं। जैसा कि उन्होंने मेरे सामने आपकी ऐसी तारीफ करते थे, ऐसा मेरे सामने आपके बारे में बोले थे एक बार, बहुत ज्यादा चाहते आपको उन्हों, ऐसा हम क्या करना, अपनी बातों में वो बात ऐड करके किसी को मिला सकते हैं। हम ये करना भी एक नेकी है, अगर किसी को मिलाने में हम झूठ कहे तो भी वो एक नेकी है, क्योंकि हम मिला रहे हैं दोनों, दो दोस्तों को, हम दोनों दोस्तों को दूरी होने से हम बचा रहे हैं, उन दोस्तों को मिला दे रहे हैं हम, तो ये भी एक नेकी है, ये गुनाह नहीं है अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं वहां पर, ठीक है। इस तरह से हम दो दोस्तों के बीच में हम सुलह करवा सकते, मिला सकते हम, ठीक है। उसके बाद, और कभी खुशामद या चापलूसी की बातें ना कहे हम, जैसा कि चापलूसी यानी इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, और फिर बड़ा चढ़ाकर बोलना, इस तरह से हमें बचना चाहिए, और अपनी इज्जत का और सामने वाले दोस्त का या फिर माँ बाप का, हर बड़ों का हर छोटों का हमें इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, अपना भी इज्जत के ख्याल रखे और सामने वालों की भी बात का इज्जत का ख्याल रखे। और कभी भी जब हम बात कहें तो सामने वाले को इज्जत देते हुए बात कहें, क्योंकि देखिए जब तक हम खामोश रहते ना, तो सामने वाले को हमारा, हम कैसे हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारे मैनर्स कैसे, किसी को सामने समझ नहीं आता। जब हम अपनी जबान खोलते, जब हम किसी से बात करते, तब सामने वाले को ये समझ में आता है कि कितने अच्छे गुड मैनर्स के हैं, कितने अच्छे अखलाक के हैं, है ना। तो इस तरह से हमें नरमी से बात कहनी चाहिए, और अपनी मर्तबे से कभी भी गिरी हुई बात ना कहें, ठीक है। कभी भी रेस्पेक्ट देते हुए हमें दूसरों से बात करनी है। और
अखलाक में बच्चों सबसे बड़ी ये बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ कि जब माँ बाप का कमरा होता है ना, माँ बाप के कमरे में हम दाखिल होने से पहले जब माँ बाप आराम कर रहे हो या सिर्फ माँ हमारी आराम कर रही हो कमरे में, तो उनकी इजाजत के बगैर हम कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह नूर के आयत में फरमा रहे कि बच्चे जो है जब तुम आराम कर रहे हो फजर से पहले यानी रात के वक्त में और दिन के वक्त में, दोपहर के वक्त में आराम कर रहे होते माँ अपने कमरों में, और फिर ईशा के बाद रात के वक्त में, ठीक है, फजर से पहले, ईशा के बाद, ईशा की नमाज के बाद और दोपहर के टाइम पे जब अपनी माए का कमरे में आराम कर रही होती, तो हम उनके कमरों में जाने से पहले नॉक करके इजाजत लेकर उनके कमरों में जाएं, ठीक है। ये भी एक अखलाक का सबसे बड़ी जरूरी अहमियत वाली बात है हमको, जो हमें करना चाहिए, ठीक है, उनकी इजाजत किए बगैर, लिए बगैर हमें अंदर नहीं जाना है। और जब हम बात कहें तो सलीके से हमें और विकार के साथ गुफ्तगू करना, यानी इतने अच्छे मीठे अंदाज में और हमारी बात सामने वाले को समझ आए, इस तरह से हमें बात कहनी है। जल्दी जल्दी तेजी से भी हमको बात नहीं करनी चाहिए, और हर वक्त हंसी मजाक भी हमको नहीं करनी चाहिए बातों बातों में, ठीक है। हर वक्त हंसी देखिए मजाक हमको, हमारे दिल को क्या हो जाता मालूम, मजाक चुप करने से हम एक बुराई में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलते थे, यानी मजाक भी जब जब करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसमें भी सच्चाई होती थी। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बूढ़ी आई थी, एक बूढ़ी औरत आई थी, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल क्या मैं जन्नत में जाऊंगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत में नहीं जाओगी। तो अल्लाह वो बूढ़ी औरत क्या किए मालूम, कि वो बूढ़ी औरत रोते हुए वहां से चली जा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बूढ़ी औरत से बुलाकर फरमाया कि ए बुढ़िया, ए औरत, तुम जन्नत में बूढ़ी नहीं बल्कि जवान करके दाखिल की जाओगी। यानी जन्नती लोगों की उम्र जन्नत में कितनी होगी मालूम, 35 साल, ठीक है, 35 ईयर्स, 33 to 35 ईयर्स के बीच में हम रहेंगे जब हम जन्नत में जाएंगे। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बूढ़ी औरत थी, हो सकता 90-100 साल की बूढ़ी थी हो या ज्यादा भी हो, तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बूढ़ी हो ना इसीलिए तुम जन्नत में नहीं जाओगी। तो वो बूढ़िया इस तरह से रोने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फरमाया बुला करके तुम जवान करके जन्नत में दाखिल की जाओगी। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजाक करते थे तो उसमें भी सच्चाई होती थी। और जब हमसे कोई बात कहे, कोई कुछ पूछे हमसे, तो पहले हम उससे वो सवाल को गौर से सुनना है, ठीक है, पूरा सवाल उनका सुनकर हमें उनका जवाब देना है। कोई हमसे क्वेश्चन करते तो पूरा क्वेश्चन वो करने के बाद जब हमको उनके रिप्लाई में आंसर करनी है, ठीक है, अच्छे से सवाल सुनकर जब जवाब दे, सोच समझ कर हमें जवाब देनी चाहिए, बगैर सोचे समझे जवाब देना भी बड़ी नादानी और बुरी बात है, ठीक है। अगर कोई दूसरे से सवाल कर रहा हो तो खुद खुद बढ़ बढ़ कर जवाब ना दे, यानी अगर हमसे कोई हमारे साथ कोई और है तो कोई कोई क्या करते, हमसे नहीं पूछे जैसा किसी और से सवाल कर रहे हैं, तो उस सवाल जिससे किया जा रहा वही जवाब दे, हमको मालूम है बल्कि हम बढ़ चढ़ के सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, अखलाक के खिलाफ है। और जब हमसे कोई कुछ बता रहे, कोई हमसे कुछ डिस्कस कर रहे, तो पहले हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे मालूम है, ये क्या हो जाती है मालूम, तकब्बुर वाली बात, डिमांड वाली बात हो जाती, ठीक है, ये गुरूर वाली बात हो जाती कि मुझे मालूम है,
इस तरह से हमें नहीं कहनी चाहिए, बल्कि उनकी तमाम बातों को सुने, हो सकता है कि उनकी बातों में हमें कुछ सीखने को मिल जाए। अगर हम बोल दिए पहले का पहले कि मुझे मालूम है, तो वो सामने वाले क्या हो जाते हैं, रुक जाते बोलने से। हमको क्या है, उनकी बातों में वो जो सीखने को हमें मिलता ना, वो हम उससे महरूम हो जाते, यानी उससे हम रुक जाते। तो इसीलिए जो भी हमसे बात कहे, तो पहले हम उनकी बातों को गौर से सुने, बल्कि ये ना कहें कि मुझे मालूम है। अगर वैसा करेंगे तो हम अच्छा इल्म हासिल करने से रुक जाते। हो सकता है उनकी बात में एक नई बात हमको मालूम हो रही, जो हमको मालूम नहीं थी। तो इस तरह से हम खामोश होकर उनकी पूरी बात को गौर फिक्र से सुने। और कुछ समझ में ना आए तो उनके बोलने के बाद, पूरी बात खत्म होने के बाद, जब उनसे सवाल करें, बीच में उनको रुका कर भी हमें सवाल नहीं करनी चाहिए, उनकी पूरी बात खत्म हो जाना, ठीक है। इसलिए कि जब सामने वाला बात करता है ना हमसे, तो बात करने वाले का इखलास यानी उसकी नेकी भी हमारे दिल पर असर करती, यानी जो बात से अंदाज से हमसे बात कर रहे, उनका जो मोहब्बत से जो बात करने का अंदाज है ना, वो हमारे दिल पर असर करता। हम भी जो है दूसरों से इसी तरह से पेश आने के हम काबिल बन सकते। ये भी एक अखलाक है हमारे लिए, ठीक है। जिससे ही बात करे, उससे हम उसकी उम्र का या मर्तबे का और उससे अपने ताल्लुक का लिहाज रखते हुए बात करें, ठीक है। माँ बाप से, हमारे उस्ताद से, टीचर से और दूसरे बड़ों से दोस्तों की तरह गुफ्तगू ना कीजिए, जैसा कि हम अपने फ्रेंड्स से बात करते। इस तरह से हम अपने बड़ों से नहीं बात करें, बल्कि उनके उन्हें हम अच्छे अंदाज से रेस्पेक्ट देते हुए बात करें, ठीक है। जैसा हम फ्रेंड से बात कर सकते ना फ्रीली, वैसा हम बड़ों से नहीं कर सकते। और गुफ्तगू करते वक्त, यानी बात करते वक्त क्या है, किसी की तरफ इशारा ना करें हम, कि अगर वो उनकी नजर में हमारी इशारा वाली बात चली गई, यानी उंगली हमारी उनके नजर में गिर गई, तो वो क्या समझते कि हमारी बुराई कर रहे वो लोग, वो दोनों मेरी बुराई कर रहे, बल्कि ऐसा समझ में आता, तो इस तरह से उनको शक पैदा होता। तो खामखा उनके दिलों में शक पैदा ना करें हम, डाउट्स पैदा ना करें हम। और दूसरों की बातें भी हमें छुप कर सुनने से बचना चाहिए। दूसरों की बातें जो अब दो लोग बात कर रहे हैं, तो हम उनकी बातों को छुप कर ना सुने और कान लगा कर भी ना सुने, ठीक है। ये भी अखलाक के खिलाफ है। और जब सामने वाले बात कर रहे हैं, तो हम क्या है, दूसरों की ज्यादा सुने और हम जो है कम बोलने की कोशिश करें। जब हम किसी से बात कर रहे होते ना, हम ही अपनी जो है बड़े बड़े बातें बनाते रहते, सुनाते रहते, वो खामोश सुनते रहते। फिर जब वो थोड़ी देर के लिए वो बोलना चाहते, फिर हम अपनी बात शुरू कर देते। तो इस तरह से हम ना कहें करें, ठीक है, बल्कि उनको हम ज्यादा वक्त दे बात करने का, हम टाइम कम ले बात करने का, ठीक है, उनको ज्यादा टाइम दे बात करने का इंशाल्लाह। और जब किसी से कोई हम आपको जो राज की बात कहे किसी से छुपाने के लिए, तो उनकी बात को, उनके राज को हम छुपा कर रखें, किसी के सामने हम जाहिर ना करें। वो किसी से भी बयान ना करें, ठीक है, अपना राज दूसरे को बताकर उससे हिफाजत की भी उम्मीद ना रखें। और हमारा भी राज किसी से भी हम ना कहें, सिर्फ अपने माँ बाप से हम अपनी दिल की बात कहें, क्योंकि हमारे माँ बाप क्या है, हमारे लिए खैर ख्वाह है। वो कोई भी हमको नुकसान नहीं होने देते, कोई भी हमको तकलीफ होने नहीं देते। तो इसी तरह से हम कोई भी बात, चाहे वो सीक्रेट ही क्यों ना हो, अपनी माँ से हम शेयर करें, अपने मम्मी से शेयर करें हम, ठीक है, अपने माँ बाप से करें, किसी भी से भी ना कहें, ना करें, ना कहें। अगर हम करेंगे ऐसा, तो क्या हो जाता, वो हमारी बात दूसरों में फैल जाती, इसमें हमारी क्या होता, हमारा ही नुकसान होता। इस तरह से इन तमाम चीजों का हम लिहाज रखें और गौर फिक्र करें। और हर, यानी जब अल्लाह ताला हमको कोई खुशी दे रहा, कोई हमको अच्छी चीज नजर आई, कोई हमको खुशी महसूस हुई, अच्छे खुशी के मौके पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ठीक है, हर बात पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कोई हमको हमारा तबीयत कैसी है, या फिर तुम कैसे हो, खैरियत से हो क्या, जब पूछते ना सलाम होने के बाद,
तो हम क्या कहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। और जब हम कोई अच्छा नज़ारा देखे, कोई अच्छी यानी ऐसी चीज़ देखे जो हमारे दिल को खुश कर गई, तो सुभान अल्लाह कहें, माशाल्लाह कहें, ठीक है, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें हम, ठीक है, ये अल्लाह ताला का जिक्र है। तो हर मामले में हम अल्लाह ताला की हम्दो सना यानी तारीफ बयान करें, हर बात पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अल्फाज हमारे बातों के साथ ऐड करते हुए बात करना, ठीक है, ये अखलाक के बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे पर है ये तमाम चीजें, ठीक है। हम ऐसा कहने से सामने वाले जो है बहुत ज्यादा हमारे इस अखलाक से जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखो कितना प्यारा बच्चा है, हर बात पे अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, हर बात पे सुभान अल्लाह, हर बात पे और माशाल्लाह कहता है। तो ये तमाम चीजें क्या है, ये जिक्र हम अपनी बातों में बराबर उसको ऐड करते हुए, शामिल करते हुए अपनी बात को पूरी करें, ठीक है। तो इस तरह से हमें अखलाक से जो है हर वक्त सबके साथ पेश आनी है। कोई भी हमको गाली दे तो हम उनको उसके बदले में गाली ना दे, बल्कि उनको अच्छी बात कहें, उनको समझाएं हम, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना अखलाक से सामने वालों के साथ पेश आए, बल्कि अपने अखलाक को संवारे हम, यानी अपने अखलाक को हम अंदर से और बढ़ाने की कोशिश करते रहना, ठीक है। जो हमको रमजान में हम हर बुराई से बचे हुए रहते ना, रोजे की हालत में हर बुराई से बचते हम, हर झूठ से बचते हम, हर जो है यानी कोई हमको गाली भी दे रहा तो हम उसको क्या कहने का हुक्म है उस वक्त में, इन्नी सुआइमुन, यानी मैं रोजे से हूँ, तीन बार हमको कहना है ऐसा, इन्नी सुआइमुन, इन्नी सुआइमुन, इन्नी सुआइमुन, के मैं रोजेदार हूँ, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ, इस तरह से, ताकि वो सामने वाला खामोश हो जाए। जिस तरह से हम सबर से रहते ना रमजान के रोजों में, इसी तरह इंशाल्लाह बाद रमजान के 11 मंथ्स में भी हमको रहना है अखलाक के साथ, हर बुराई से बचते हुए, ठीक है बच्चों। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक दे, जो भी हम यहाँ पर सुने हैं उस पर हमें गौर व फिक्र करने वाले बनाए, आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर कुछ सवाल है आप लोगों का बच्चों, तो थोड़ा एक या दो सवाल करके इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैम थोड़ा सा बच्चों के लिए अखलाक और आदाब में फर्क क्या है बताना बोल रहे थे। सेम है क्या फर्क है एक्चुअली? नहीं, अखलाक और आदाब दोनों एक ही माने रखते हैं, एक ही माने रखते हैं वो, यानी आदाब यानी उस मतलब हमको कैसे पेश आना है। अखलाक हमको अंदर हमारे सीरत के अंदर पैदा करनी होती है, आदाब यानी हमको जाहिर जाहिरी शक्ल में जो हम पेश करते हैं। बल्कि वो दोनों के माने एक ही है, एक ही में आते, ठीक है जी। अगर कोई ये बोल रहे हैं कि अगर कोई बच्चे जो है सो कुछ बच्चे ऐसे हॉस्टल्स में ऐसे रहते हैं ना मैम, तो उन लोग को तो घर के जैसी तरबियत और वैसे वैसे नहीं मिलता, तो अब उन लोगों को सही से बात करने का अगर वो ना हो तो अल्लाह के पास उनकी पूछ है क्या पूछ रहे हैं। और गाँव के लोग रहते जो आके सिटीज में बस जाते ना, हाँ हाँ, तो उन लोग को तो वो वैसे बात करने नहीं आता ना जी, तो फिर उनका कैसा बोल रहे। यानी अगर हम वो हॉस्टल्स में भी रह रहे हैं तो हम उनकी मतलब पूरी, अब हम फोन की फैसिलिटीज तो है अल्हम्दुलिल्लाह,
तो हम उस पे भी उनसे बात करते हुए उनको समझाते रहे, जब भी उनको फ्री टाइम मिला तो हम वो टाइम पे बात करते रहे, उनकी जो है यानी पढ़ाई के साथ साथ उनकी अखलाक की तरबियत भी हम कर सकते हैं। अब तो बहुत ज्यादा आसानी आ गई ना कि जी वीडियो हाँ कॉल भी कर सकते हैं हम, तो उसमें भी हम जो है उनकी जैसा हम घर में करते ना जी वैसे ही हम उनकी मोबाइल्स पर भी कर सकते हैं हम, जब भी उनको फ्री टाइम हो। ठीक है, इंशाल्लाह उनकी तरबियत हम लगातार करते रहने से वो लोग उसी रास्ते पर इंशाल्लाह कायम रहेंगे। अगर हम उनको छोड़ देंगे तो क्या हो जाता, वो लोग उन्हीं के रंगों में रंग जाते। तो जी इस तरह से हम उनकी तरबियत वहां पर भी करनी है। मैम, ये ना क्रिश्चियन मैनेजमेंट स्कूल्स है, हिंदू मैनेजमेंट स्कूल्स है, उसमें जो है ना ये प्रेयर्स होते, देखिए वो पढ़ सकते क्या पूछ रहे हैं प्रेयर्स, प्रेयर्स वाले। जी। जैसे ना हाँ मोस्टली तेलुगु के क्लासेस के वक्त को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, एक्चुअली टीचर के नहीं नहीं बारे में वो, पढ़ा, हाँ तो वो पढ़ सकते क्या पूछ रहे हैं। टीचर्स के रेस्पेक्ट, टीचर्स के रेस्पेक्ट में अगर उसका माना है जी तो उतना भी रेस्पेक्ट नहीं कि होलू हो जाए उसके अंदर, बस उनको जितना देना है रेस्पेक्ट वैसी अगर कोई बात माने से समझ में आ रही तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज्यादा हमको उड़ो में नहीं जाना। जी और ये ना, ये जो ना ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग जो किसी इंसान का या फिर बर्ड्स का, हम हाँ जो स्केचेस बना सकते क्या पूछ रहे हैं। ऐसा हाँ बोल नहीं देना नहीं कि जान डालो बोलने के लिए, बोलते अल्लाह ताला कुछ बोल। नहीं 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 वैसा नहीं करना है हमको, क्योंकि जानदार चीजें, जो चीज ऐसी जानदार है उसकी हम पिक्चर्स नहीं बनानी है, और वो उनका जो पिक्चर्स बना के घरों में भी वॉल्स पर लगाते ये भी जो है गलत है, इससे फरिश्ते नहीं आते वैसे, बल्कि वो पिक्चर्स ही नहीं बनानी है हमको। जैसे 8-9 साल से रोजा और नमाज फर्ज हो जाती बोल रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे में ही हम जो सो ना पर्दे की भी कैसा कब से कर सकते पूछ रहे हैं, हाँ बच्चियों के लिए, छोटे देखिए, हाँ बच्चियों के लिए। देखिए, असल तो देखिए, देखा गया तो बच्ची की बालिग होने की उम्र 9 साल, 10 साल भी हो सकती, 9 साल भी हो सकती, 11 साल भी हो सकती। जी तो बालिग होने की जो निशानियां है ना, वो अगर निशानियां हमको नजर आ जाए बच्ची में, तो जब से हमें पर्दा कराने का हुक्म है। ये जी जरूरी नहीं है कि हैज आने से जो है बच्ची बालिग होती, बल्कि बच्ची बालिग होने से पहले जो निशानियां हमको नजर आते, जब वो हमको समझ में आ जाए तब से पर्दे हम कराएंगे अगर, तो बहुत ज्यादा बेहतरीन है हमारी औलाद के लिए, ताकि हम फितनों से बचाए रखें। और जैसा कि बालिग पर ही रोजा फर्ज है, ठीक है, रोजा क्या है, बालिग पर फर्ज है, और नमाज का हुक्म हमको तो 7 साल से देना है, लेकिन 10 साल से हमें उन्हें मार कर हुक्म देना नमाज का। ठीक है, तो इसी जी तरह से पर्दा भी हमें जितना जल्दी हो सके 9 या 10 साल से भी हम करवा सकते, जी बेहतर है। जी 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 और कोई सवाल है पूछिए प्लीज। अगर ना हो सवाल तो इंशाल्लाह हम लेफ्ट करेंगे। ठीक जी जी मैम, हो गया शायद, नहीं पूछ रहे। है, ओके, जजाकअल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। आमीन भैया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।